सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान से राष्ट्रीय अभियान के तहत संपर्क जन जागरण अभियान का आह्वान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत संपर्क जन जागरण अभियान का आगाज हनुमानगढ़ में सोमवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहालचंद मेघवाल ने शिरकत की। राष्ट्रीय एकता अभियान व जन जागरण अभियान का आगाज समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 70 वर्ष के शासन के दौरान क्षेत्रवाद, भाषावाद, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ भाजपा ने मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 35 हटाकर विभेदकारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। सांसद निहालचंद ने कहा कि भारतीय जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही धारा 370 का विरोध करती आई है। जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान के विरोध में व्यापक आंदोलन चलाया था। अब मोदी सरकार ने भारत को अखंड भारत का रूप दिया है। बताया गया कि जन जागरण अभियान के तहत धारा 370 से संबंधित साहित्यिक पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। लेकिन ये कानून कश्मीर में लागू नहीं होता था जब धारा 370 थी। वहाँ कितनी भी छोटी बच्ची की शादी कर देती थी और उनको कोई सजा नहीं होती थी। लेकिन अब धारा 370 और 35 से हटने के बाद भारत सरकार के जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे अब कश्मीर पर लागू होंगे। एक राष्ट्र, एक संविधान और एक निशान, ये अब पूरे देश पर लागू हो चुका है। ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है। आप लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, इसलिए जाकर के ये धारा 370 और 35 से हटी है। राष्ट्रीय एकता अभियान में मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। धारा 370 केंद्र सरकार ने हटाई है और 35 से केंद्र सरकार ने हटाया है। मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का नौजवान आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद इन दोनों धारा हटने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता था। जाने से पहले परमिशन दी जाती थी। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सर्विस नहीं कर सकता था। लेकिन पहली बार ऐसी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की है धारा 370 हटाने से। और मैं समझता हूँ कि मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और जम्मू और कश्मीर के नौजवान जो आज ललायत है देश के प्रधानमंत्री जी के कामों से। इस देश की सुरक्षा अगर किसी के हाथों में अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद और इसके क्या क्या फायदे होंगे ये जनता में हमने ले जाने के लिए संपर्क एवं जन जागरण कार्यक्रम रखा है। इसी के दौरान आज ये कार्यक्रम हुआ और हम हर विधानसभा में दो दो चार चार साहित्य भी उपलब्ध कराएंगे जिससे आगे लोगों को जानकारी मिल सके कि इस 35A और 370 उससे पहले जो कश्मीर में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान, उसको हमने जो 70 साल से कांग्रेस की नीति से 70 साल से इस देश में जो लागू थी और जो कांग्रेस की सरकारें समाप्त नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी के निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी की निर्णय लेने की क्षमता से हमने जो 70 साल से इस देश पर कश्मीर से कन्याकुमारी के एक पर जो दबा था उस दबे को हमने समाप्त करने का काम किया है। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 24वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ जिसमें अध्यक्षों के भाग लेने और सचिवों को शामिल नहीं करने पर सभा के बाहर खूब हंगामा हुआ। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला और सचिवों ने एमडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। गंगमूल डेयरी की आम सभा में नहीं जाने दिए जाने के विरोध में सोमवार को दुग्ध सहकारी समितियों के सचिवों ने डेयरी के गेट पर धरना लगा दिया और डेयरी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। संगठन सदस्य शोपत बाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेयरी प्रबंधक द्वारा सहकारी समिति सचिवों को आम सभा में इसलिए शामिल नहीं होने दिया गया क्योंकि संगठन सदस्य आम सभा में उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे। इस बीच नारेबाजी का दौर चलता रहा और सचिवों ने एमडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए व्याप्त भ्रष्टाचार की उजागर होने के डर से आम सभा में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया।
सचिव एकता जिंदाबाद, सचिव एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, एमडी तेरी दादागिरी देश चलेगी, देश चलेगी, प्रशासन मुर्दाबाद, अनमोल प्रशासन मुर्दाबाद, एमडी तेरी दादागिरी देश चलेगी, देश चलेगी, एमडी तेरी दादागिरी देश चलेगी, देश चलेगी। बन गया डायरेक्टर कर कौन पाया मैं स्वीकार करा मैं कौन कर पाया चार साल का सिर्फ दो तीन जना मैनेजमेंट चलावे मारकों तो कुकी मार के ग्राजियां अध्यक्ष सानू आज कुकी मराई है सचिव बार बैठे अध्यक्ष कुकी मार के मार है अब आज बैठे भी रखी आज ये हुई अभी मार सको है और दूसरी बात है आर सी टी एफ का अधिकारी इन सीट पर रहते हुए भी जांच हुई है और चार बारी इन कारण बताओ या वो उसको नोटिस मिल रहा है नौकरी खातर केंद्रिया को नोटिस हुआ वो मेरकन कागज है सारा सबूत है भी इन्हें नोटिस भी लेना चार भाई चार सीट मिल गई चार सीट बोला भी नहीं इनकी भाषा में तो फिर भी वो सीट पर बैठे है और दोषी मिली है पांच चारा में चारों जानता में और जान जबा में भी दोषी है और फिर भी अठा है और आज आ स्थिति में बात रखी सारी तो एमडी साहब एक शब्द ही कौन बोलिया माइक पर आने की स्थिति में कौन आ कर रहे हैं आम सभा अंदर छुप कर आम सभा कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं क्यों कर रहे हो आप छुप कर क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है यहाँ कि ये अब डर लगने लगा है अगर सचिव अगर जाएंगे क्योंकि वास्तविक कड़ी अगर है डेरी की तो सचिव है सचिव ही दूध तोलता है सचिव को जो ज्ञान है वो इनको पता है अगर वो अंदर जाएंगे तो इनका बंडा फोड़ होगा तो डरते हुए जो अध्यक्षों को बुला लिया क्योंकि अध्यक्ष साहब लेडीज है लेडीज उसके बारे में इतनी नहीं जानती या कोई अनपढ़ है मेरे जैसा वो है वो नहीं जानता तो कम से कम सचिवों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है सुबह 4 बजे 5 बजे से लगते हैं दूध तोल के यहाँ भेजते हैं फिर भी उनको अंदर नहीं जाने देते ये ना इनके कोई सुनाई हो रही है सचिवों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सचिवों को मीटिंग में नहीं बुलाया अंदर नहीं जाने दिया अध्यक्षों को अंदर बुलाया है कोई बात रखते भी अंदर आओ सभी को वेलकम तो हमको अंदर नहीं बुलाया क्या मुद्दे अभी रखना चाहते हैं जो रखने नहीं दे रहे हैं आपको मुद्दे क्या आपके मुद्दे काफी हैं हमारे इधर उधर दूध के रेट के बारे में थे प्राइवेट डेयरियों के 6-6 रुपए रेट ज्यादा है तो इनको पता था सचिव रोड़ा मचाएंगे तो इनको बाहर ही कर दो मैं चाहता हूं कि जो मीटिंग होती है उससे पहले ये अध्यक्षों के हस्ताक्षर करवाकर कोरम पूरा कर लेते हैं जिसके बाद में जो अपनी कार्रवाई है अपने आप लिखते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर स्टाल लगाकर सब अध्यक्षों के साइन करवा दिए गए हैं अब जो कार्रवाई है वो बाद में घर पर जाकर लिखेंगे जो ये आए और वे जो इन्होंने बताया ये बिल्कुल भ्रष्ट तरीके से बताया गया है क्योंकि इससे पहले कई बीएमसी खरीदी गई है जिसका इसमें ब्यौरा ही नहीं है इसी तरह चारा घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला किया है ये अपने आप जिस तरह अब दूध का घोटाला कर रहे हैं अब दूध का घोटाला ऐसे अभी प्राइवेट जो दूध है वो 5 रुपए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसी तरह ये तोल में घोटाला करते हैं अब जो काम करते हैं वो सचिव करते हैं पर तो सचिव को अंदर नहीं घुसने देते हैं अध्यक्षों को अंदर घुसने दे रहे हैं सचिव बताते हैं जो अपने साथ क्या घटना घट रही है परंतु इस देरी में इसी तरह एक और हमारे साथ घटना हो रही है हमारे बीएमसी लोट हो गई जिसको 6-7 महीने हो गए परंतु हमारी स्थान में से बीएमसी लगी हुई है और अब एक नई बीएमसी लोटमेंट करके उसको बीएमसी लगा दी गई हमारी बीएमसी चालू नहीं कर रही है आम सभा खत्म होने के बाद डेयरी चेयरमैन जसवीर सहारा ने संगठन सदस्यों से समझाइश कर धरना समाप्त करवाया वही एमडी का कहना था की गंगमूल प्रदेश में पहले 5 स्थानों में है और अग्रणी बनी हुई है इसमें भ्रष्टाचार जैसी कोई बात ही नहीं आज जो मीटिंग रखी गई थी वो 24वीं आम सभा थी गंगमूल की बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मीटिंग संपन्न हुई है इसमें जो बजट था बजट का अनुमोदन किया गया है और रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है जो अन्य फैसले थे संचालक मंडल के उनका अनुमोदन किया गया है सभी लोगों ने अच्छी तरह भाग लिया था सभी अध्यक्षों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने शांतिपूर्वक आम सभा करवाई और सभी संचालक मंडल सदस्यों को आचार्य प्रतिनिधि को और हमारे गंगूर स्टाफ को जिन्होंने बहुत ही मेहनत कर इस आम सभा का आयोजन में बहुत मेहनत की और बहुत सफल आयोजन किया मैं सबका धन्यवाद करता हूँ सर बाहर सेक्रेटरी लोग धरने पे बैठे हैं करप्शन का आरोप लग रहा है आपके ऊपर वो कहते हैं आपको हटाया जाए पद से क्या कहना चाहिए ये सेक्रेटरी लोग हैं जो वो काफ़ी समय से ही ऐसा कर रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो दूध की हम दर दे रहे हैं वो पूरे राजस्थान में या तो बराबर है और या सबसे अधिक है
700 रुपये किलो फैट आज तक गंगमूल के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। हम आज 700 रुपये किलो फैट का दर दे रहे हैं, प्लस 2 रुपये CM सब्सिडी है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा दर है जो कि बड़ी डेयरी द्वारा दी जा रही है। हमारी डेयरी आज पूरे राष्ट्र में पहले 5 में आ रही है और सभी जो भी टारगेट हैं आज के अपने दिए हैं या माननीय हमारे हेड ऑफिस ने दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो हमारे पे ऑर्डर गए थे तूड़ी के उसमें भी हमने खरीद से लेके उसको मतलब कि जो एक्स्ट्रा बची थी उसमें भी हमने काफ़ी लाभ कमाया है और लास्ट ईयर 1000 टन तूड़ी खरीदी गई थी, इस बार भी 1000 टन ही तूड़ी खरीदी गई है। वही 754 के संघर्ष समिति का आंदोलन सोमवार को 102वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आक्रोश 102वें दिन तब बढ़ गया जब सांसद निहाल चंद मेघवाल किसानों के धरने के आगे से 2 बार निकल गए, परंतु उन्होंने किसानों के लिए समय नहीं निकाला। 754 के संघर्ष समिति का आंदोलन सोमवार को 102वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आक्रोश तब बढ़ गया जब सांसद निहाल चंद मेघवाल किसानों के धरने के आगे से 2 बार निकल गए, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए समय नहीं निकाला। सोमवार को सांसद निहाल चंद मेघवाल के दौरे के दौरान किसानों के धरने के आगे से निकलकर जिला परिषद में बैठक के लिए गए और दूसरी बार जब किसानों के धरने के आगे से ही भाजपा के कार्यक्रम में जाने के लिए गुजरे तो किसानों को यह नागवार गुजरा। किसानों ने सांसद की बेरुखी पर आक्रोश जताया और जब सांसद निहाल चंद दूसरी बार गुजरे उसके बाद आक्रोशित किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भाजपा कार्यक्रम स्थल व्यापार मंडल धर्मशाला तक पैदल रोष मार्च निकालते हुए निहाल चंद मेघवाल से मिले और किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। किसानों ने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। किसान संघर्ष समिति के सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि हरियाणा में रेट रिवाइज की घोषणा कर दी गई है, यदि हरियाणा में रिवाइज हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। सबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुआवजा लेंगे 1 करोड़ अब निकलेगी ये रोड, मुआवजा लेंगे तब निकलेगी ये रोड, मुआवजा लेंगे 1 करोड़ तब निकलेगी ये रोड। 6 दिन हो गया साहब बैठा नठे, हमारी कोई सुनाई को निकले नहीं। आज मैं सांसद साहब कन गया, वहाँ भी हमारी सुनाई को निकली। जहाँ उनकी प्रोग्राम था भाजपा का वहाँ जाके हमने उनको ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने पहले ही हमसे ये कहना शुरू कर दिया कि हमने तो 2% बढ़ाएगा कलेक्टर में। हमने कहा जी कलेक्टर कौन होता है बढ़ाने वाला, जब कल फैसला हुआ हरियाणा में वहाँ पे एक समिति बन के और उसका सारा गठित करके उसका रिवाइज हुआ है, रिवाइज होके उसका सारा व्यवस्था पैसे मिले हैं। हरियाणा में जब रिवाइज़ हो सकता है तो हमारे हनुमानगढ़ में राजस्थान में क्यों नहीं। हम कह रहे हैं पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ 754 सड़क निकल रही है वहाँ दौड़ा इसका रिवाइज होके इसके सही मुआवजा मिले, हम पैसे नहीं देंगे। हम इतने दिनों से 100 दिन से ऊपर हम बार बार कभी भाजपा के सांसद से मिले, कभी कांग्रेस के नेताओं से मिले, मुख्यमंत्री से मिल के आए, लेकिन अब हम परेशान हो गए। हमारा ये है कि 5-7-10 दिन हमारे किसानों का थोड़ा बिजी समय चल रहा है, चुगाई चल रही है, उसके बाद हम इस क्षेत्र में जो भी मंत्री आएगा चाहे वो राजस्थान का हो चाहे केंद्र का हो हम उसको काले झंडे दिखाएंगे, इस क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देंगे। भाकड़ा समूह की नहरों में शेयर के अनुसार पूरा पानी देने की मांग को लेकर सोमवार को भाकड़ा संघर्ष समिति सादुल शहर के सदस्यों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भामाशाह व किसान नेता ओम बिश्नोई की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि बांधों का जल स्तर बढ़ने के कारण राजस्थान के शहर में 1,00,000 क्यूसेक डेज की बढ़ोतरी हुई है और गत वर्ष भराव अवधि के बाद बांधों में भंडारित पानी के अनुपात में राजस्थान का शेयर 19,00,000 क्यूसेक डेज निर्धारित किया गया था, जबकि इस बार राजस्थान का शेयर 20,00,000 क्यूसेक डेज निर्धारित किया गया है। फीडर में फीडर खराब है, क्या फीडर ठीक करो, करा रही है ना सरकार, समझा सकता है, करवा रही है नहीं फीडर हमारे को तो पानी दो इसमें। देखो देखो चीफ साहब बात सुनो, पानी आपको देना पड़ेगा इस बार, बात सुनो, पहले भी हमारी आप यहाँ देखो जो पानी हमारा शेयर है वही देंगे। शेयर कैसे हमारा 1,800 बेहतर है, नहीं है आपका कैसे नहीं है, अभी पार्टी जी को बुला देते बता देते हैं, अभी आपको 1200 चलेगा तो आपका शेयर पूरा हो जाता है, बता देते हैं। नहीं 1200 में कैसे पूरा होता है, तो जितना अभी फिगर BBMB ने डिक्लेयर करी है, मैंने तो नहीं करी, BBMB ने 21 तारीख को 19 तारीख को जो मीटिंग थी उसके अंदर फिगर डिक्लेयर कर दी,
नहीं, आपका जो शेयर है आपको बता देते हैं, आप उसमें 1875 कैसे चलाओगे? 1872 है, 1872 की नहरें बनी थी, 1872 चल क्यों नहीं? हमारा है ही 1872 कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप देख लो, हमने तो मैं अभी दिखा देता हूँ एक चीज है, कैसे नहीं, हमने तो बात सुनो, मैं इतनी लड़ाई हुई, पीछे लड़ाई हुई, इतनी हुई, पहले तो कह रहे थे 800 देंगे, फिर 1200 दिए, 1872 देने पड़ेगा था, थोड़ी बात है, तो शेयर बता देते हैं, आप डिप्लीशन पे है, आप डैम डिप्लीशन पे है, जो आपका शेयर है वो आपको मिलेगा, कैसे ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा, हमारा पानी हमारे को ज्यादा मत दो, हमें चाहिए, डिसाइड करने से क्या होगा, तो पानी होगा वही, नहीं नहीं आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, आप थोड़ी डिसाइड कर नहीं कर रहे, बीबीएमबी ने बताया हमें कि आपका इतना शेयर है, किसान नेता ओम बिश्नोई ने कहा कि बीबीएमबी की ओर से निर्धारित शेयर अनुसार अक्टूबर में भाखड़ा में 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाना निर्धारित किया गया है, जो कि गत वर्ष के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बढ़े हुए शेयर के अनुपात में भाखड़ा के शेयर में बढ़ोतरी न कर क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में उचित समय पर समुचित सिंचाई पानी उपलब्ध न होने के चलते ग्वार मूंग नरमे की फसल तबाह हो गई थी और अब भी किसान उसी स्थिति में पहुंच गया है। ज्ञापन में अक्टूबर माह में किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी 1872 क्यूसेक उपलब्ध करवाने की मांग की गई। पानी के लिए खालू शहर से आए हैं केस ब्रांच के लिए और बाखड़ा नहर के अंदर पानी बढ़ाने के लिए आए हैं, और चीफ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि भी मैं भी पानी पीछे से मांग रहे हैं, मांग के मुताबिक आपको पानी चलाने की कोशिश करेंगे। कितना पानी आपका बांधा हुआ? हमारा पानी 1200 दिया हुआ है, जबकि फसलें सूख रही हैं, 1200 के अंदर पूर्ति नहीं हो रही है, हमारा शेयर 1872 का है। और सारे किसान हैं, ये संघर्ष समिति हमारी और सभी गाँव से प्रतिनिधि आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो किसानों का पानी है 1872 क्यूसेक, वो पानी हमारे को मिलना चाहिए, और जबकि हमारे को 1200 भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बंदी देते हैं तो ये एवरेज निकालते हैं तो ये 860 के करीब आता है, वो भी हमारे को पूरा नहीं मिलता, 860 के करीब। हमने अपनी बात कह दी, इन्होंने कहा कि पीछे से पानी नहीं आ रहा, अगर हम पीछे से पानी ज़्यादा मांगते हैं तो नहर टूटने के, पंजाब कहता है इनका पानी घटाया जाए, बोले हमारी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये देखते हैं, अगर ये नहीं हुआ, अगर इनके पास पानी है, अगर ये हम नहीं देंगे तो हम संघर्ष करेंगे, जैसे पहले हुआ था वैसे संघर्ष करेंगे। भाखड़ा से ओम बिश्नोई जी आए थे एक्स्ट्रा पानी की डिमांड के लिए, उनके अनुसार डैम में पानी भरा हुआ है और उनका अतिरिक्त मांग की डिमांड थी, जबकि 21 तारीख से डिप्लीशन पीरियड स्टार्ट हो गया और 21 तारीख को बीबीएमबी ने सभी डैम्स का अपना शेयर निर्धारित कर दिया। भाखड़ा डैम से जो भाखड़ा सिस्टम के लिए मिलने वाला पानी है वो 213,000 डिसाइड हुआ है, पिछले साल 222,000 था, तो 1200 क्यूसेक पानी अगर इनको मिलता रहता है तो इनके ये शेयर पूरा हो जाता है, तो अभी भी 1200 क्यूसेक पानी निरंतर चल रहा है, अतिरिक्त पानी की मांग अभी पूरी नहीं की जा सकती नहरों की स्थिति को देखते हुए। वहीं रावसर विद्रिका में अंतिम छोर पर पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से यहां पानी के अभाव में किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो रही हैं। इसके चलते रामपुरा मटोरिया पोहड़का धन्नासर टेल के अन्य जगहों से सैकड़ों पीड़ित किसान मुख्य अभियंता विनोद मित्तल से मिले और किसानों का कहना था कि नहरों में जमा सिल्ट की वजह से पूरा पानी नहीं पहुंच रहा। किसानों का कहना था कि पानी की वजह से फसलें चौपट हो रही हैं, ऐसे में विभाग जल्द बंदी लेकर सिल्ट निकलवाने का काम करे। किसानों की मांगों के संबंध में चीफ विनोद मित्तल का कहना था कि बीबीएमबी में शेयर निर्धारित कर दिया गया है और उसी के अनुसार पानी किसानों को दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने पंजाब की नहरों के हालात ठीक न होने का हवाला भी दिया। हाँ जी, हम तो राउसर से वित्रिका से आए हैं काश्तकार, यहाँ पर आरडब्ल्यूडी माइनर में काफ़ी सिल्ट आ गई, इस वजह से धन्नासर एनडब्ल्यूडी बोर्ड का किंकड़े रामपुरा माइनर की सभी टेलें पीटी जा रही है, उस पर 5 अस्से पानी चल रहा है और उसमें पीएचडी में बंदी लेकर उस नहर की अगर सफाई की जाए तो काफ़ी समय से उसमें बहुत सिल्ट सफाई, और हमने एक्शन को और एन को एससी साहब को कई बार अवगत कर दिया, हमारे पर किसी प्रकार की इसकी गौर नहीं की थी इसका, अगर इसको सफाई नहीं की तो इसको हम आंदोलन का रूप देंगे, ताकि हमारे 6 महीनों से फसलें बर्बाद हो चुकी है और आगे सरसों और गेहूँ की बिजाई आ रही है वो भी हमारे होने का आसार नहीं है।
ऐसी पोजिशन हो चुकी है। अब साहब ने हमें बात की है उनसे, अब देखो इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। अगर इसको नहीं किया गया तो हमारे बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई समय दिया आप लोगों ने? समय ने वो कह रहे हैं मैं शाम तक उन अधिकारियों से बात करके मैं आपको अवगत करवा दूंगा, और वो ऊंची लेवल की बात है, मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने कहा इसको हम नहर को बंद करेंगे बिल्कुल ही, अगर हमारी बार आपकी पानी नहीं, हम बिल्कुल नहर बंद करेंगे, नहर नहीं खोलने देंगे। राव सर के काश्तकार आए थे, उनके कोई 70 से 97 आरडी के बीच में सिल्ट की समस्या है, इसके लिए बंदी लेने की बात है, तो पीएचडी के अधिकारियों से बात की जा रही है कि वो कोई 5-6 दिन का समय देवे तो हम उसको सिल्ट को निकाल सकें। रात के एमपीज कॉलेज में एक बार फिर नशीली दवाओं और खाली इंजेक्शन मिलने का मामला सामने आया है। महाविद्यालय परिसर में नशे संबंधित सामान मिलने पर छात्र संगठन एसएफआई ने रोष जताया और गेट पर तालाबंदी कर नॉन कॉलेजिट के प्रवेश को महाविद्यालय में बंद करवाने की मांग की। इस मौके पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुचारू करवाने की मांग दोहराई। नशे इंजेक्शन इस कॉलेज का गढ़ बनता जा रहा है नशे का, यहाँ कोई धड़ा दौरी नहीं, जीने का आराम हो गया। कोई क्यों सिर खड़ा होता धर्म में अपने चुनाव और चुनाव कराने वाला नहीं करनी राजनीति, हमें ये बता दो हम पढ़ने के लिए आते, ये चेयर कहां से आता है, क्यों नहीं हो रही इस बात पर, नॉन कॉलेज कॉलेज में आते कैसे। एनएमपीजी कॉलेज के अंदर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, आज दूसरी बड़ी वारदात ये हुई है कि आज आपत्तिजनक फिर स्थिति के अंदर आज यहाँ कॉलेज के अंदर बड़े इंजेक्शन नशे के चिट्टे के एक बट्ठड़ जितने इतने आपत्तिजनक चीज़ें मिली है कॉलेज के अंदर, उसको विरोध में आज हमने मुख्य गेट पर तालाबंदी लगा करके मांग की है कॉलेज प्रशासन से कि ये नशा आ कैसे रहा, अंदर कैसे पहुँच गया। 2 दिन पहले वारदात हुई थी, 2 गुटों में घटना हुई थी, इस नशे के कारण हुई थी। ये लोग नशा करते हैं जिससे यहाँ लड़ाई की स्थिति पैदा होती है और विद्यार्थीकार बच्चों और बच्चियों का कॉलेज में आने का मातम नहीं बचा है। कॉलेज प्रशासन पुलिस प्रशासन बैंकर कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। हमने ये बात कही कि जल्द से ये बात नहीं हो जाती तो हम इस बात को लेकर और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसकी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की होगी। आज राजकीय महाविद्यालय में फिर से जो 3 महीने पहले वारदात हुई थी नशा पकड़े जाने की, आज फिर छात्रावास के पास से नशा पकड़ा गया है और बहुत ही ऐसी सामग्री जो नशे में हाई लेवल के नशे हैं जो पकड़ी गई हैं, जिसमें विद्यार्थियों ने जोर रोष जताया है और जो महाविद्यालय के गेट पर आज धरना लगाया गया है, तालाबंदी की गई, इस पर आज प्रशासन सोया हुआ जो जगाया है उनको चेताया है, तो प्रशासन आके इनसे वार्ता की है और वार्ता में ये बात हुई है कि 2 दिन के अंदर अंदर महाविद्यालय में तारबंदी का काम होगा और महाविद्यालय के अंदर गश्त बढ़ाई जाएगी, लगातार नॉन कॉलेजेड की एंट्री बंद की जाएगी और पुलिस के द्वारा और महाविद्यालय के जो लोगों के द्वारा यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाएगी जिससे कि इस पर रोक लगा सके। इस मौके पर काराभाग प्राचार्य का कहना था कि महाविद्यालय में जल्द ही नियमानुसार कंटीली तारबंदी करवा दी जाएगी ताकि बाहरी छात्रों के प्रवेश को रोका जा सके। वहीं उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर माकूल व्यवस्था करवाने के प्रबंधन लगा हुआ है। आज विद्यार्थियों ने थोड़ा नॉन कॉलेजेट को लेकर के प्रतिरोध व्यक्त किया है। नॉन कॉलेजेट के साथ साथ शहर में फैल रहे नशे के साथ कुछ खाली शीशियाँ भी हमारे यहाँ 1-2 मिली हैं। पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन मिलके इन सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही रोकने का प्रयास कर रहा है। अब भी गश्त बढ़ा दी है और तार लगाने की प्रक्रिया थी वो निर्धारित नियमानुसार अब हम वो स्थिति में आ गए हैं कि अब हम तार भी कांटीला लगा देंगे, बाकी अनुशासन की व्यवस्था कायम है, कोई दिक्कत। राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक के संबंध में एडीएम अशोक कुमार आसीजा ने बताया कि लैंड अलॉटमेंट, खातेदारी, राजस्व संबंधी वाद, राजस्व न्यायालयों में चल रहे विवाद आदि को लेकर बैठक का आयोजन हुआ है जिसमें संबंधित सभी एसडीएम और तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक थी, तो जो हमारे राजस्व से संबंधित मामले हैं जिनमें लैंड अलॉटमेंट है, लोगों को खातेदारी देना है, कोई भूमि आवंटन से संबंधित समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के वाद विवाद हैं या राजस्व न्यायालयों में चल रहे वाद हैं, उन सभी राजस्व मामलों की समीक्षा के लिए सभी एसडीएम तहसीलदार साहिबान की बैठक रखी गई थी और विस्तार से हमने हर एक इशू पे, हर एक मुद्दे पे, हर रेवेन्यू समस्या पे चर्चा की है ताकि आमजन की समस्याओं का समाधान हो सके,
उनका समाधान भी हो और वो भी टाइम बाउंड तरीके से समाधान हो, किसी का मामला अधिक लंबे समय से लंबित नहीं रहे। जिला कलेक्टर महोदय ने स्वयं विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है और चर्चा करके उनको लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। समाचार भी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। पंजाबी सभा हनुमानगढ़ द्वारा वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी के सहयोग से 27 सितंबर शुक्रवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में विशाल कैंसर चेकअप कैंप व सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में वर्ल्ड कैंसर सोसाइटी के अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों का निशुल्क चेकअप और उनके इलाज में सहयोग दिया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ प्राप्त करें। कैंप में चाय, नाश्ता और भोजन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। इच्छुक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क करें। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसके बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपनाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर 25 सितंबर से श्री राम की लीलाओं का मंचन आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए कलाकार रिहर्सल की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। रामलीला मंचन का उद्घाटन समारोह पूर्वक होगा, जिसमें सभापति राजकुमार हिसारिया, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हनुमान देखना तो जाकर, हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं, मातंग श्राप वश वाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ, वह चैन नहीं पा सकता, संभव है उसके गुप्त दूत, मेरा यूं भेद लगाते हैं, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से हनुमान, सब पता ठिकाना, लेना तो, यदि हो मेरा संशेष ही तो मुझको इशारा देना। जैसी आज्ञा महाराज। सीता को ढूंढ रहे सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का को जान नहीं जान की पर खेल रहे हैं, प्राणों कर देंगे दुष्ट, हीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया वरना कहते जी जलता है इस जग में सब मतलब के हैं, कोई न किसी की सुनता है। 1961 से ये रामलीला जैसे चल रही है, उसमें से ऐसे कलाकार भी इसके साथ जुड़े हुए हैं जो 50 साल पुराने हैं और अब तक इसके साथ जुड़े हुए हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कोई किसी कारणवश नहीं आ रहा, लेकिन रामला के दिनों में जरूर आएगा। इस रामला के मंचन में सहयोग भी देते हैं, चाहे किसी भी तरह का सहयोग हो, चाहे मेकअप का हो, ड्रेसिंग का हो, अपनी क्षमता के अनुसार सभी इसमें सहायता करते हैं। और इसके साथ बहुत सारे हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं और नारद का रोल करने वाले जो हैं बहुत पुराने, 25 साल से रोल अदा कर रहे हैं। मंच का महत्व ये है कि ये दक्षिण मुखी, इसका जो मेन दर्शन होते हैं किसी भी मूर्ति के, विशेष करके हनुमान जी की जो झांकी है वो दक्षिण मुखी होने के कारण, ग्रंथों के अनुसार दक्षिण मुखी जो दर्शन होते हैं वो सभी तरह के कष्टों का निवारण और मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले दर्शन होते हैं। जहाँ जहाँ दक्षिण मुखी मूर्ति के प्रतिष्ठा होती है
तो ठीक इसी प्रकार भी यहाँ हनुमान जी की मूर्ति जब एक झांकी के रूप में रखी जाती है तो लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। और अब तक आपको हम बता दें कि 1932 तक 2032 तक ये मन्नतें पूरी होने वालों की ड्रेसेज जो यहाँ हनुमान जी को चढ़ेंगी वो पहले आके बुक हो चुकी हैं। इसके अलावा जिस दिन झांकी होती है उसमें कम से कम 225 मणि का भोग लगाया जाता है लोगों की इच्छाएं पूरी होने के बाद। श्री रामलीला समिति के सानिध्य में श्री रामलीला श्री भगवान राम की लीला का मंचन यहाँ बहुत ही सौभाग्य और सुचारू रूप से चल रहा है। अभी रामलीला की तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही है जिसका 25 सितंबर से रात्रि 8:15 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ में मुख्य अतिथि राजकुमार जी हिसारिया, सभापति नगर परिषद चौधरी भूपेंद्र कुमार जी और कविंदर सिंह जी शेखावत रहेंगे। इसके बाद के अंदर इसके जो मेन कार्यक्रम होते हैं उसमें ताड़कावध होता है, राम जन्म होता है। उसके बाद में 8 अक्टूबर को इसका दशहरा ग्राउंड में मनाया जाएगा और 9 तारीख को इसका समापन होगा राज तिलक के साथ में। वही पूर्वांचल वासियों ने छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिलकर अधूरे घाट निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की मांग की है ताकि समय रहते निर्माण पूरा होने पर वे अपना त्योहार आसानी से मना सके। पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा के दौरान नहरों में पूजा अर्चना में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए गत भाजपा सरकार में सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा जंक्शन और टाउन की नहरों पर घाट निर्माण की घोषणाएं कर कार्य शुरू करवाया गया था जिसमें टाउन स्थित कोहला नहर पर घाट निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन जंक्शन स्थित खुंजा नहर पर घाट निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 40% ही हुआ है, शेष निर्माण आज तक अधूरा है। खुंजा नहर पर 1500 फीट लंबे घाट बनाने थे लेकिन सिंचाई विभाग ने महज 500 फीट घाट निर्माण कर कार्य बीच अधर में छोड़ दिया। अब छठ पूजा का समय नजदीक आने पर श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति सदस्यों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिलकर खुंजा नहर पर अधूरे पड़े घाट निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग की है। वहीं विधायक ने इस संबंध में आश्वस्त किया कि पर्व से पूर्व निर्माण पूरा करवा दिया जाएगा। जो खड़गाव जी फैक्ट है ना उधर ज्यादा होता है, आज चौधरी साहब के पास आए थे। छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है उस त्यौहार खुंजा नहर पे मनाया जाता है। उस खुंजा नहर को पिछले साल 1500 फुट का बनाने का आश्वासन मिला था जो कि सिर्फ 500 फुट बनी है और 500 फुट में भी मतलब कुछ फुट अभी छोड़ा हुआ है और कुछ पूरा बना दिया गया है। तो चौधरी साहब के पास हम लोग इसलिए आए थे कि वो बकाया का 1000 फुट बनवाया जाए जिससे समाज के लोगों को असुविधा ना हो और समाज अच्छी तरह से अपना त्यौहार मना सके। इस उपलक्ष्य में चौधरी साहब ने बहुत अच्छी तरह आश्वासन दिया है कि हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे और कल उन्होंने इसके लिए JNIN और उनको अपने आवास पर बुलाया है। सेक्टर 11 और सेक्टर 11B के वार्ड वासियों ने सोमवार को कलेक्टर से मिलकर नगर परिषद हनुमानगढ़ के वार्डवार सीमांकन में वार्ड नंबर 8 में वार्ड वासियों के नाम पूर्व अनुसार शामिल करवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सेक्टर नंबर 11 और सेक्टर नंबर 11B पुराने वार्ड 8 और वार्ड नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन में शामिल रहे हैं लेकिन अब उनके वोट काट दिए गए हैं। छूटे हुए भाग को साथ मिलाओ, साथ मिलाओ, साथ मिलाओ। छूटे हुए भाग को साथ मिलाओ, साथ मिलाओ, साथ मिलाओ। वार्ड 8 को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। वार्ड 8 को ठीक करो, ठीक करो, ठीक। साथ जोड़ो। 11A 11B को साथ जोड़ो, साथ जोड़ो, साथ जोड़ो। 8 जो नया वार्ड नंबर 8 बना नगर परिषद क्षेत्र का उसका पार्ट 11A और 11B जो पहले नगर परिषद क्षेत्र में ही चलता आ रहा था किस कारण उस क्षेत्र को हनुमानगढ़ नगर परिषद से काटकर बाहर कर दिया गया है। सो आज कल पता चला 250 के करीब वो वोटर हैं, उनको कल पता चला हमारे की वोट काट दिए गए हैं। इसलिए सभी एकजुट होकर आज कलेक्टर साहब को अवगत करवाया है कि जो हम नगर परिषद क्षेत्र में थे उसी की भांति अब
हमारे को नगर परिषद क्षेत्र में उसी तरह वार्ड नंबर 8 में रखा जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कोई तकनीकी कारणों से किसी कारणवश वो एरिया छूट गया था, लेकिन उसको दुरुस्त करके आपको नगर परिषद क्षेत्र में रखा जाएगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा प्रशासक अमीलाल सारण की अध्यक्षता में हुई। आम सभा का एजेंडा मुख्य व्यवस्थापक बिजलाल जांगू ने रखा, जिसमें वर्ष 2018-19 के अनुमोदन, ऑडिट, अनुपालना, लाभ आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया। बैठक में वर्ष 2019-20 का बजट 10.70 करोड़ पास किया गया। नहीं तो क्यों नहीं बेचते थे बाजार में माल ले तो। किसान बंधुओं, सहकारी समिति के सदस्य बंधुओं, एक तो मेरा सुझाव है और डीआर साहब बैठे हैं भाई, सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं वो मनमाने तरीके से तनख्वाह ले रहे हैं, अधिकारियों से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। ये पैसा किसका है? ऐसा तो सहकारिता का है, किसान का पैसा है, किसान का पैसा है। तो वो इस तरह मनमाने तरीके से कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, तो इनके कोई तो नॉर्म्स होंगे इस तरह के, सिर्फ किसान का पैसा ले रहे हैं। एक एक खाते में 3-3, 4-4 लाख रुपए आ सकते हैं, तो हमारे हनुमानगढ़ के क्षेत्र के किसानों को तो नहीं आ सकते, लेकिन हम उसकी जानकारी नहीं रखते। हो सकता है कि अब की बार मैंने नरमे की फसल का बीमा कराया। बीमे का मतलब क्या है? नुकसान की भरपाई। सारा किसान भाइयों मुलाकात हुई है, ये जो क्रय विक्रय की नीम देखो बूटो लगे मेरे पिताजी भी लगाए पुराना टाइम हूँ, तो आज मैं सारा बीच में आ गए बड़ो ही अपने आपने गौरवित महसूस करूँ और इन चीज को हिस्सा भी बने, क्योंकि क्रय विक्रय सहकारी संघ सहकार आपने सारा किसान हुआ है। तो हजार लोगों की दुकान इस तरह चले और एक आदमी की दुकान 50 करोड़ का टर्नओवर करे, ये बड़ी अचंभे की बात है। या तो हमारे में जागरूकता नहीं, या हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रति या कोऑपरेटिव संस्था के प्रति हम समर्पित नहीं, या फिर लोग ये डरा हो गया। बताओ जब आने हमारी समितियों वाला जी है मैं मर लगे के मैं था नहीं बात कोई तो क्या सुन लो डीआर साहब, मार्केट के अंदर में खाद बेचे 80% मारो शेयर है समितियों को भी मैं गरीब और किसको अभी कौन सा है हमारे किसानों का पैसा है। और 25 तारीख की आम सभा के अंदर जितने मेरा किसान भाई अध्यक्ष बैठे पाओ सारा निवेदन है कि मैं वो एयर इसको अपना विरोध कराऊंगा कि कोई भी समिति खाद नहीं खरीदेगी, चाहे मैंने बाजार में लेनी पड़े चाहे दूसरे स्टेट में लेनी पड़े। मैं मैंने चोर बतावा है मैं सब कर रही हूँ, मैं क्या समिति सारी चोर है, मैं सब कर रहे हैं समिति सारी चोर है, ये बिल्कुल ही आपको कौन लिया बारे में जाने से की चीज बताओ। एक मिनट सुन लो चाहे हमारी फसल खत्म हो जाए इसको किसको कौन लेवा। आज हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की आम सभा थी जी, जो हमारे समिति के प्रशासक महोदय श्री अमीलाल जी सारण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा के अंदर वर्ष 18-19 के अंकित लेखों के अनुमोदन और ऑडिटर पालना रिपोर्ट व लाभांश वितरण के निर्णय लिए गए। इसी के साथ समिति का 19-20 का जो प्रस्तावित बजट था 10.70 करोड़ का, वो भी स्वीकृत किया गया। 18-19 के बजट से अधिक जो खर्चे थे उनकी भी सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार। वर्ल्ड कैंसर केयर, मनुखता दी सेवा सब तो उत्तम सेवा। वर्ल्ड कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन वालों कैंसर दे मुकम्मल खात्मे लई पूरी संसारिक पद्धर ते एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों नु कैंसर प्रति जागरूक करना है अते कैंसर दी मुढ़ली जांच करनी है। WHO दी एक रिपोर्ट मुताबिक 2012 विच पूरी दुनिया विच 14.1 मिलियन लोग कैंसर नाल पीड़ित सन। इकल्ले भारत विच हर साल 8 लाख लोग कैंसर दा शिकार हुंदे हन, जिन्हां विच 5 लाख लोगों की कैंसर कारण मौत हो जाती है।
पर डरन दी लोड नहीं। वर्ल्ड कैंसर केयर कार कार जाके ना सिर्फ आम लोगों नु जागरूक कर रही है बल्कि कई प्रकार दे कैंसर दे मुढले टेस्ट भी बिल्कुल फ्री कर रही है। जिन्हां विच औरतां दी छाती लई मैमोग्राफी टेस्ट, औरतां दी बच्चेदानी दे मुंह दे कैंसर लई पैप स्मीयर टेस्ट, आदमियां दे गदूदा दे कैंसर लई PSA टेस्ट, गले दे कैंसर लई एंडोस्कोपी, ब्लड कैंसर लई ब्लड टेस्ट अते कई होर प्रकार दे कैंसर नु शारीरिक तौर ते जांच करके अगो टेस्ट लई भेजा जा रहा है। इस तो अलावा जनरल चेकअप, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अते कई प्रकार दीयां जनरल दवाइयां भी दे रही है। वर्ल्ड कैंसर केयर अपनियां डिजिटल बसां राही पूरे भारत विच दे वख-वख पिंडां तक पहुंच कर रही है अते ए सुविधावां आम लोगों नु फ्री दे रही है। वर्ल्ड कैंसर केयर अपने कैंसर जागरूकता अभियान विच आम लोगों नु कैंसर दे मुढले लक्षणां दी जानकारी वाले लीफलेट वंड रही है, कैंसर अवेयरनेस लेक्चर कर रही है अते अपनियां बसां विच बने वीडियो थिएटर राही कैंसर जागरूकता दीयां फिल्मां भी विखा रही है। वर्ल्ड कैंसर केयर वालों दित्तियां जा रही सारिया सुविधावां नु होर सुखावां बनाउण लई ऑनलाइन रिपोर्टिंग दी सुविधा भी दीती जा रही है अते ऑटो SMS राही लोकां नु टेस्टां तो लैके इलाज तक समय समय सर सूचित कीता जा रहा है ताकि किसी भी किस्म दी कम्युनिकेशन दी घट ना रह सके अते लोक वर्ल्ड कैंसर केयर नु हर पल अपने नाल खड़ा महसूस करन। वर्ल्ड कैंसर केयर वालों लब्बे गए कैंसर नु सही इलाज लई वर्ल्ड कैंसर केयर दी टीम वालों समय समय सिर टेलीफोन राही भी सूचित कीता जा रहा है अते उना दे इलाज दौरान आउन वालियां मुश्किलां दा हल भी करवाया जा रहा है। इस तो अलावा सहायता लई सरकारी स्कीमां तो भी जानू करवाई जा रही है अते सरकारी मदद लैण लई कागजी कार्रवाई विच भी मदद कीती जा रही है। वधेरे जानकारी लई तुसी वर्ल्ड कैंसर केयर वैबसाइट www.worldcancercare.co.in ते लॉगिन कर सकदे हो। पंजाबी सभा हनुमानगढ़ द्वारा वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी के सहयोग से 27 सितंबर शुक्रवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में विशाल कैंसर चेकअप कैंप व सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में वर्ल्ड कैंसर सोसाइटी के अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों का निशुल्क चेकअप और उनके इलाज में सहयोग दिया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ प्राप्त करें। कैंप में चाय, नाश्ता और भोजन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। इच्छुक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्ल्ड कैंसर केयर समाज दे हर वर्ग नु अपील कर दी है कि ओ आपो अपने इलाकिया विच कैंसर दी जांच कैंप लगवाउण लई संस्था दी मदद करन ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ।